जैसे कि आप ट्रेलर्स में देख रहे हैं कि ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है और इसमें सस्पेंस भी है, थोड़ा सा एक सुपर नेचुरल सिनेरियो भी है। तो एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है, इंटरेस्टिंग प्लॉट है और 24 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। तो सनी एंड मी हैव डन सम इंटरेस्टिंग वर्क इन दैट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट जितना मज़ा हमको फिल्म में काम करते वक्त आया, आपको देखने में मज़ा आएगा। जैसा कि टैगलाइन की बात की जाए, लव लव बिगेन, उसका क्या उससे क्या रिलेट कर पाएगा, उससे क्या कहना लव चाहेंगे? बिगिंस, सर्च फॉर लव सर्च फॉर लव बिगिंस, तेरा इंतजार जो टाइटल है वो इस यही सजेस्ट कर रहा है कि इस फिल्म के अंदर एक स्टेज के ऊपर जो सनी का कैरेक्टर है, जो जिसका नाम रौनक है फिल्म के अंदर, वो एक मेरे कैरेक्टर को ढूंढ रहा है। बेसिकली मेरा जो कैरेक्टर है वो बिजनेसमैन का कैरेक्टर है जो एक थोड़ा सा पेंटिंग में भी इंटरेस्ट लेता है और उसके जहन में एक ऐसी लड़की है जो जिसकी वो तस्वीर उतारता है पेंटिंग के ज़रिए, और जब वो पेंटिंग कंप्लीट होती है तो उसकी शक्ल बिल्कुल सनी जैसी मिलती है। एंड उसको ढूंढने के चक्कर में लगा रहता है कि कभी किसी वक्त मेरी ड्रीम गर्ल उसे मिल जाए, और वो मिल जाती है उसको। और फिर वो उस लड़की को दिखाता है कि देखो, आओ देखो, मेरी दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू ड्रॉ। एंड वो उनको भी बड़ा शौक होता है बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स, ऑब्वियसली वो भी एक आर्ट गैलरी की ओनर है, और इनके बीच में एक दोस्ती शुरू हो जाती है, एक रोमांस शुरू हो जाता है। और जब रोमांस शुरू हो जाता है तब मेरा कैरेक्टर जो है मिस्टीरियसली गायब हो जाता है, और क्योंकि वो इतने प्यार में है इस कैरेक्टर से तो उसको ढूंढने लगती है और उसका इंतज़ार करती है और कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं वो किसी किसी भी हालत में मिल जाए। तो इस वजह से द सर्च फॉर लव बिगिंस है। फॉर मी इट्स हर बॉस। हरबल जिसकी आपने बताया कि एक पेंटर का कैरेक्टर जो है आपका ऑन स्क्रीन, तो असल जिंदगी में आप कितनी पेंटिंग, सलमान तो बहुत पेंटिंग करते हैं, आप कितनी पेंटिंग करते हैं? नहीं, मैं पेंटिंग को अप्रिशिएट कर सकता हूँ, मेरे में इतना प्लेयर है, टैलेंट नहीं है वैसे पेंटिंग करने का, लेकिन इस किरदार के लिए थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा मतलब सीखने की कोशिश की थी कि ब्रश को कैसे होल्ड किया जाता है, पेंट्स को कैसे मिक्स किया जाता है कैनवस वगैरह से, थोड़ा सा बिकॉज इट वॉज अ कैरेक्टर दैट आई नीडेड टू, तो थोड़ा सा मेहनत की थी डायरेक्टर। सनी, वी हैव बीन सीइंग यू, आप हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं, तो डिड यू डू सम स्पेशल क्लासेस फॉर दैट? आई लव राइडिंग हॉर्सेस एंड मैंने बहुत लेसन लिए बहुत सालों पहले, एंड जब भी मुझे मौका मिलता है टू राइड हॉर्स मैं करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि हाँ हाँ मैं कर सकती हूँ, चलो लेट्स गो लेट्स गो, दैट दैट वे वो ना नहीं बोल सकते क्योंकि मैं ऑलरेडी गई। सो आई लव इट, एंड वो जो हॉर्स था मॉरिशस में, इट्स वेरी नाइस, वेरी बिग हॉर्स, सो एक्साइटिंग। अरवान, आप इतने सारे एक्टर्स के साथ काम कर, आपके हिसाब से सबसे हॉट कौन है जो मेरे जो मेरे पास बैठी है इस वक्त? क्या क्वेश्चन? राइट नाउ, यस। थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, वो किस तरह की लड़की है, क्या कर रही है, उसको किस चीज का किसका इंतजार है? वाह वाह वाह, आपने तो बहुत वर्ल्ड क्लास सवाल पूछा, ऐसा सवाल तो किसी ने आज तक पूछा ही नहीं है। आवाज को क्या इंतजार है? पहले ये सवाल का जवाब दे, पहले सारी जवाब दे। मेरा कैरेक्टर इज ए आर्ट गैलरी ओनर एंड ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू आर्टिस्ट एंड न्यू न्यू स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स एंड ऑल दीस थिंग्स, एंड दैट्स व्हेन आवर बॉस कैरेक्टर वो आता है, बोलता कि मेरे पास एक अच्छा पेंटिंग है and it actually it looks like you and aap to dekhna padega and all these he tells me all these things about it and then main haan bolti hu ki ye film hai and I go and I see it and that's when jab main wo painting dekhti hu that's when these two characters start getting to know each other and then pyar ho jata hai and then they're so madly in love and then ek din wo gayab ho jate hai so my character mera character film mein she searches for her love and she gets help also in the film from somebody from a medium to try and help kyunki usko malum nahi wo kahan kahan gaya and you know when she searches for him everywhere aap piche aa jao aap udhar aa jao ya ek aise dekhna padta hai बहुत रोमांटिक एक्टर है, मेरे को कंफर्टेबल है।
हम एक्चुअली डे वन से दोस्त बन गए एंड वो दोस्ती में हमने बहुत मस्ती किया एंड हमने बहुत बातें की है. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर गाइस एंड एज़ फार एज़ आवर कैरेक्टर्स गो वी आर वेरी प्रोफेशनल एंड जो भी डायरेक्टर को चाहिए था दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द फिल्म हमने वो ही किया बिकॉज दैट्स व्हाट वी एग्रीड टू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सो बट वर्किंग मेरा फेवरेट टाइम एक्चुअली शॉट के बीच था क्योंकि हम हंसते थे, हम जोक्स ये सब मस्ती ऐसा करते थे सिचुएशनल जो हमारे आसपास हो रहा था. सो इट वाज नाइस, ही अंडरस्टूड माय सार्केज्म व्हिच वाज ग्रेट, आई अंडरस्टूड हिज सार्केज्म एंड या वी हैड अ ग्रेट टाइम. सर ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा, जब वो मेरे पास आए तो लाइक आई सेड हर एज एन एक्टर everybody does films for various reasons, sometimes because it is challenging some role that they've not done or a character they've not played or somebody they've not worked with. So for me what was very exciting was firstly after a very long time I got to play a romantic character and then when I got to play it with Sunny opposite me it was like a given ki mujhe karna hai. So yes, so this was pretty much exciting for me kyunki ek har actor ki ek khwahish hoti hai. क्योंकि मैंने काफ़ी साल एज अ स्लाइटली नेगेटिव या एक्टर विथ ग्रे शेड्स रोल्स या सीरियस रोल्स प्ले किए, तो सडनली मुझे एक इस इतने सालों के बाद एक मुकाम पर आके मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिला कि बट इट्स अ वेरी मैच्योर कैरेक्टर दैट सूटेड मी. अगर वो बहुत ज़्यादा डांस वांस ये वो उस टाइप का होता तो शायद मैं खुद मुझे आई वुड हैव फेल्ट अनकम्फर्टेबल अट दिस. सो इट्स अ स्लाइटली मैच्योर लव स्टोरी, इट्स अ वेरी खूबसूरत कहानी वाला बेस्ड लव स्टोरी है एंड जो मुझे लगा कि इट्स प्रीटी एप्ट और ये आई कैन सूट एंड फिट इनटू दिस कैरेक्टर एंड लाइक आई सेड वो मुझे एक्साइटिंग लगा कि मुझे इतने सालों बाद एक इंटरेस्टिंग रोमांटिक लीड रोल मिला जो उसके बाद लाइक आई सेड सनी का होना दैट वाज लाइक अ गिवन के अभी मेरे को करना ही करना है. From 0 to 10, 0. बिल्कुल नहीं, वो पता ना जीरो में किसी का कोई से नहीं होता है. यहाँ लिबर्टी है हमारे घर में, सबको लिबर्टी है अपने प्रोफेशनल डिसीजंस खुद लेने की. इतना हमको पका के छोड़ा है इंडस्ट्री के अंदर कि आप अपने अच्छे बुरे डिसीजंस करियर डिसीजंस खुद लो. अब इसमें फ़ायदे भी होते हैं बहुत से, मेरे फादर बहुत सी चीज़ों में बिलीव करते हैं. बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं ना वो चाहते हैं कि आप खुद ही लो. जैसे जिससे आपको शादी करनी भैया आप लो, कल को मैंने आपको बोल दिया कि आप इससे शादी करो, आपकी शादी अच्छी नहीं गई, आप मुझे बोलोगे कि यार पापा तुमने मेरी शादी कराई थी. इसे ये ज़िंदगी के डिसीजन हैं. अब ये कुछ लोगों को समझ में आएंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएंगे कि आई हैव एजुकेटेड यू टू मेक अ माइंड ऑफ योर ओन टू टेक डिसीजन ऑन योर ओन, नॉट फॉर मी टू इन, बिकॉज आई विल नॉट बी देयर व्हेन यू आर लीडिंग मोस्ट ऑफ योर लाइफ. इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर then what are you going to rely on me all the time. तो बच्चों को ऐसे तैयार करो कि आप हो या ना हो वो अपने डिसीजन सही बुरे अच्छे बुरे खुद ही लें, प्रोफेशनल पर्सनल. तो हमारे फादर का इंटरफेरेंस तभी आता है जब हम उनके पास जाते हैं कि यार ये करें नहीं करें, तो वो अपनी एडवाइस देते हैं फिर बोलते हैं इसके बावजूद भी तुम वो करो जो तुमको करना है. वो ये नहीं बोलते कि जो अभी मैंने बोल दिया तो तुम वही करो, तुमने मुझसे पूछा ये मेरा ओपिनियन, अभी इसके बाद तुमको करना है नहीं करो तुम खुद करो. तो यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं करता है कि आपने ये फिल्म क्यों की, आपने वो रोल क्यों किया, आपने इसके साथ क्यों काम किया, आपने उसके साथ क्यों काम किया. प्रोफेशनल डिसीजंस है, आपको उसका फ़ायदा या नुकसान आपको झेलना पड़ेगा. एज एन एक्टर आई डोंट इंटरफेयर इन एनी डायरेक्टर्स वर्क, नॉट एज एन एक्टर बट एज अ प्रोड्यूसर. आई वर्क विद न्यू डायरेक्टर्स, अभिनव नए थे, अभिषेक डोगरा नए थे, मैं खुद नया था. सो इन माई प्रोडक्शन आई हैव गिवन ब्रेक्स टू 3 डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स, मी इंक्लूडेड. सो आई हैव नो प्रॉब्लम विद वर्किंग विद डेब्यूटेंट पीपल डायरेक्टर्स बिकॉज दे ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी. पर्टिकुलरली हमारी फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो भी डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, और डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स या जो लोग अपना करियर शुरू करते हैं उनके अंदर एक अलग किस्म का एक पैशन, एंथुजियाज्म और सिंसियरिटी होता है, एंड मज़ा आता है उन लोगों के साथ काम करने में बिकॉज वो कॉम्प्लेसेंट नहीं होते, उनके अंदर एनर्जी और उसमें एक्साइटमेंट बहुत होता है. अब वो चीज़ें
कैसे मटेरियलाइज होती हैं या नहीं होती है वो तो ऑडियंस के हाथ में, लेकिन फिल्म के दौरान आपको यू नो यू आर इन गुड हैंड्स बिकॉज दैट पर्सन इज 10 times मोर, हिज करियर इज मोर एट स्टेक बिकॉज शी इज एस्टैब्लिश्ड इन हर ओन वे. आई हैव हैड अ करियर फॉर लाइक 20 years. अभी मुझे मेरी एक नरम गरम फिल्म से मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि कल से मुझे कोई रोल मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. आई गेट माई वर्क कि ये रोल अरबाज सूट करता है, बुला लो उसको. बट अ नए डायरेक्टर को बहुत फ़र्क पड़ता है, जब उसका पहली फिल्म नहीं चलेगी तो उसके करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा. तो समटाइम्स वेरी गुड टू रिलाई और ट्रस्ट समबडी एंड से बॉस यू टेक द मेंटल. हम दोनों ने यही किया कि यार एक हमारे पास एक डायरेक्टर है जिसका करियर स्टेक पे है, उसे वो जो जैसे बोलेगा हम कठपुतली आए, हम वो ही करेंगे जो डायरेक्टर बोलता है. हाँ कहीं किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर हमको लगे कि आर्ग्यू करने जैसा है या बात पे तो हम अपना पॉइंट तो व्यू सामने लाते हैं, बट बाय एंड लार्ज वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस. एक्टिंग के मामले में आपका ये अभी दो और आएंगी देखो बीच में मैंने बिकॉज आई टर्न प्रोड्यूसर दबंग से, फिर दबंग टू ही, फिर डॉली की डोली, तो वो 3-4 साल का जो पीरियड था बिटवीन 2009 जहाँ शुरू हुई, 2010 में दबंग रिलीज हुई टिल 2014, ये मैं अपनी फिल्म के प्रोडक्शन में बिजी था. तो मैंने एक्टिंग रोल्स मतलब ऑलमोस्ट लेना बंद भी कर दिए थे और मैं कर भी नहीं रहा था. उसके बाद मुझे हल्का सा ब्रेक मिला, मुझे मालूम था कि दबंग नेक्स्ट करने वाला हूँ, उसमें थोड़ा समय है. मैंने बोला यार ये समय यूज़ कैसे करूँ, आई होप अभी कोई वापस से काम आना शुरू हो जाए. आई वॉज़ लकी, मुझे काम आना शुरू हो गया, एक के बाद दूसरा काम, तीसरा काम, तो आई केप माई सेल्फ बिजी एंड ऑक्यूपाइड. ना तो ये जो पीरियड होता है ना बिटवीन फिल्में शुरू करना, ये बड़ा मतलब डिप्रेसिंग होता है. अगर आप एज एन एक्टर आप बिजी रह चुके हो और फिर एज ए प्रोड्यूसर आपको 3-3 साल वेट करना पड़ता है. तो आई एम फॉर्चुनेट कि जब मैं फिल्म एज ए प्रोड्यूसर नहीं बनाता हूँ तो टचवुड मुझे एज एन एक्टर 2-3-4 रोल्स मिल जाते हैं जो मेरे साल चलाते हैं, यू नो गाड़ी चलती रहती है. बिल्कुल बनाएंगे, बट आप सीरियसली मत लेना इनके डायलॉग को, इन्होंने मुझे भी बोला है लव यू. अभी रात को ऐसे सोना सोते वक्त सोचना मत कि सनी ने बोला आई लव यू, मेरे साथ भी हुआ था ये. फिर सुबह इन्होंने मुझे बोला कि वो इतना सीरियसली ले रहा नहीं. अच्छा मतलब मैं हूँ ना हो, आपने तैयार कर ही दिया उनको. हाँ ये भी हो ना हो, मतलब आपने बोला आर यू रेडी, जैसे कि कंफर्म है आपको पता है. चलो इसके ऊपर शर्त हो जी. ऐसे मत करो. नहीं नहीं देखो आई वुड लव टू हैव हर, लेट्स जस्ट पुट दिस मैटर स्ट्रेट. आई विल मेक इट इजीियर. फिल्म को देखना, आई विल डेफिनेटली, आई एम रेडी टू वॉच इट. अगर मैं उस फिल्म में हूँ या नहीं हूँ, that's you know in somebody else's hands, but we'll that always somebody remain, is here. we'll always remain friends. It's like I would say it's a collective, collective decision, but you never know what happens in the future, and no matter what happens, I'd rather have my friendship with him than put pressure on him saying, oh, you have to put me in your film. But that's not what friends do, right? But I would love to if there's an opportunity. Like I said, I kind of know that if she does the film, like देखो जब मलाइका ने फिल्म की थी तब मलाइका को बहुत फ़ायदा हुआ था. करीना इतनी बड़ी स्टार होने के बाद भी आप बिलीव करोगे कि वो गाने करने से करीना को भी बहुत रिकग्निशन और फ़ायदा हुआ. तो whoever does the film, मैंने पर्टिकुलरली हर, इफ शी डज इट, आई वॉन्ट, आई फील दैट यू नो इट शुड सूट हर, शी शुड बी, इट शुड बेनिफिट हर एंड ऑल ऑफ दैट. सो वी हैव टू वर्क, आई हैव टू सी कि क्या रिक्वायरमेंट है वो उस सिचुएशन की, वो गाने की, कि क्या कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है उस सिचुएशन में, क्या किस किस्म का पर्सन वी वांट. आई रियली डोंट नो. वंस दैट हैपेंस, इफ सनी फिट्स द बिल, आई एम जस्ट गोना गो फॉर सनी. सो इट्स लाइक या सनी, देन यू डोंट रिफ्यूज. हां आई एम नॉट, आई हैव ऑलरेडी सेड यस एंड आई एम फ्री, यू जस्ट हैव टू फीड मी. कर रहे हैं
थिंक कि फिल्म इज फर्स्ट एंड ये कंट्री जो है ना, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. अगर किसी को किसी भी चीज़ पे इतराज़ है तो देर इज़ अ लॉफुल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. देर इज़ यू नो व्हाट आई मीन, इज़ लाइक एक पहली बात तो जैसे एक सेंसर बोर्ड है जो ऑलरेडी डिसाइड कर दे. आज तक कोई भी फिल्म मेरे नॉलेज में या किसी के भी नॉलेज में बिना सेंसर के तो रिलीज़ हुई नहीं है. वो डिसाइड करती है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के करती है, सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बिलीव्स, जो भी है करके. तो वो एक वो बॉडी है जो एट द एंड राइट रॉन्ग वट एवर इट इज़ दे डिसाइड. लेट देम डिसाइड फर्स्ट, लेट देम हैव इश्यू कि ये काटो ये नहीं काटो, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए. तो फिल्म मेकर्स फाइट विद दैट. हमको लड़ना पड़ता कभी भी हमारी फिल्मों के साथ कि ये डायलॉग चाहिए या ये मोमेंट चाहिए या ये इमोशन चाहिए. वो बताते हैं कि क्यों नहीं, उनके रीजंस भी देते हैं वो क्यों नहीं आप दे सकते हैं. पहले तो वहाँ से निकलने दो. वहाँ से जब निकल जाएगी और वो अगर पास करते हैं कि उनको अलाउड है देख फिल्म रिलीज़ करना, तो एक हमने जिसको अपॉइंट किया उसने अलाउ किया, तो आपके ऊपर प्रेरोगेटिव है कि आप देखना चाहते हो फिल्म तो देखो, नहीं देखना चाहते तो मत देखो. पहली बात तो ये. उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ों से शिकायतें हैं तो इस कंट्री में आप लॉ अपने हाथ में तो नहीं ले सकते ना. सिंपल बात ये है. अगर उसमें कुछ है भी, अगर से फॉर इंस्टेंस जो आपके वर्क नहीं करती, देर इज़ अ कोड ऑफ लॉ, फाइट इट इन दैट. यू कॉन्ट टेक लॉ इन योर हैंड, यू कॉन्ट ब्रेक थिंग्स, यू कॉन्ट हर्ट पीपल, यू कॉन्ट, मतलब मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सनल फैमिली मेम्बर के साथ भी कोई अत्याचार करे या कोई मारे तो आपको तभी भी अलाउड नहीं कि आप जाके उनको मारो और बोलोगे भैया उसने मेरे फैमिली मेम्बर को मारा तो मैंने मार दिया, तो अभी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता. तभी भी कोर्ट करेगा ना कि यार उसने आपने उसने किया लेकिन आपने क्यों किया, आपको फिर भी सज़ा होगी. तो यू स्टिल हैव टू फाइट इट इन कोर्ट, यू स्टिल हैव टू फॉलो द लॉ वेदर यू लाइक इट और नॉट. आई डोंट थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज इन द लॉफुल सिचुएशन, दैट्स माय ओनली थिंग. I don't know. I don't know. And what are you saying exactly? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको फिल्म दिखाना चाहिए कि सरकारी फैसले होने चाहिए. वो पॉसिबल है. वो तो शायद उन्होंने शायद उनको वही तो चक्कर है कि बिना आप देखे, बिना आपको आइडिया है आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने तो देखी भी नहीं है. और शायद जब फिल्म रेडी हो जाएगी तो आई थिंक दिखा भी सकते हैं. एज अ फिल्म मेकर इफ आई फेल्ट के देयर वाज नथिंग आई वुड शो द फिल्म कि भैया आपको इतराज़ है इस फिल्म से, आइए देखिए फिल्म, आपको किस चीज़ों का इतराज़ है. हमने तो और अगर लाइक आई सेड मे बी दे विल नॉट हैव एन ऑब्जेक्शन एंड इफ दे हैव एन ऑब्जेक्शन देन एज अ फिल्म मेकर यू स्टिल हैव द राइट टू से लिसन आई एम स्टिल गोइंग अहेड विद द फिल्म और वट एवर इट इज़ यू फाइट मी इन कोर्ट. वेल कि हमारी फिल्म 13 इंतज़ार रिलीज़ होने वाली है 24 नवंबर को एंड हमने इस फिल्म में बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, इंटरेस्ट के साथ काम किया है. एक अलग किस्म की फिल्म है, थोड़ी सी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो एक स्पिरिट सुपरनैचुरल फॉर्म में भी चली जाती है मोमेंट्स के लिए. तो हम चाहते हैं कि जितना हमको इस फिल्म में काम करते हुए मज़ा आया आपको देखने में मज़ा आया, तो आप प्लीज़ जाइए थिएटर्स में और फिल्म देखिए. Bye.